मामला को आसीछी कटक एसएचई पंडा कैंसर हॉस्पिटल रो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत कुमार परडांग को धमकपूर्ण ऑडियो जने कैंसर पीड़िता को देउछंती फोन जोगे धमक एभली एक्सक्लूसिव ऑडियो आम हाथ में लगी थे नजर पकांतु एही ऑडियो उपरे सर कौन थिला एक्चुअली संपूर्ण घटना कौन थिला ठीक कहबे हां सुनंदु से पेशेंट होउछंती 6 वर्ष हला मो पाखरे ट्रीटमेंट होउछंती स्टेज 4 चतुर्थ स्टेज सर आपन जानथिले चतुर्थ स्टेज रे तांको 6 वर्ष हला मागणा बी स्क्वायर रे आमे चिकित्सा तार मिलुथला से गोटे कम्प्लेन करजे मते डॉक्टर पडा ठीक रे ट्रीटमेंट कलेनी जदि 6 वर्ष हला गोटे लोक जे 6 मास बंचिया कथा नु आज्ञा बुझले त छह वर्ष हम बहुत माने से जो पंडाकिरी हॉस्पिटल जानते सेठी तंकर फ्री कंसल्टेशन करे तार जो मेडिसिन जते जहां नहा पे सब करे ताकू 6 वर्ष बंचे थी हले सेकंड दिन छला से एतिके गरीब लोक मु ताकू जते बेला हॉस्पिटल रे किछ असुविधा हुए मु ता पई गई हॉस्पिटल लोक गाली गुलोस करे तार सब फ्री रे ऑलमोस्ट 6 वर्ष गोटे लोक चतुर्थ स्टेज रे बंचले माने कैंसर आपण भाबुथियो तेणु एबे तार जति जहां ऑप्शन हो सब प्राय सरीला मोटे इंजेक्शन लिखी जेहतु तार रोग टिके बढ़िला से जाय बीएसके कार्ड रे डेस्क रे देखले जे कोन बीएसके रे हेलानी मतस कहले सर एटा हेलानी मु कहले रे हेलानी जदी मु ता सते कथा हेबी त भेड़ थिला तापरे मते कहला सर एटा टैबलेट लिखि दियंतु मु कहले टैबलेट पेशेंट से आनु मु कहले पेशेंट आनथले कोन त देखि के करथान आ तुम बीएसके कार्ड रे होन कोन करथान आपन टैबलेट लिखि दो ना ठीक ठीक छ मु टैबलेट लिखि देले ये सेटु टैबलेट भी कोन से जाएंगे टैबलेट आइटम कोन सेठ मिलनी आसी की सेठी लोकों को बिचार माने हम मते बहुत मिसबिहेव करी ठेला पेला लोकों को हम जहां पेशेंट अछने त ठेला पेला करी मो फाइल ये करो ये सब एठी किछ हो नहीं कोन त चिल्ला चिल्ली कला आज्ञा तापर मो किछ मो उत्तर भी करनी मो हटु पड़े लसे तापर गुटे डॉक्टर बीएस कर हला ना ला केम दि कोन रिस्पांसिबल हो आज्ञा डॉक्टर त चिकित्सा लिखिबो ना आ मो जो चिकित्सा त लिखि त प्रेसिशन आपण नहीं कि भारत भीतर में भारत बाहर देखेबे कोट ए चिकित्सा ठीक अछि कि नहीं तो भी हां तार फाइल फाइल देखो गोटे लोक 6 वर्ष से तो मते 5-6 दिन रे मु जदी ठीक ट्रीटमेंट कि ता खराब बार कर जाई परथा आइया तो 6 वर्ष मो भर चिकित्सा हे जों ता पर से सु कह गेले ना से गवर्नमेंट रे लिखि दिले जे हमकू बी एस स्क्वायर रे डॉक्टर प्रशांत परडा चिकित्सा देले आइया डॉक्टर केम बी एस स्क्वायर कोन चिकित्सा दबो एटा हॉस्पिटल रे आगे हमे जने कर्मचारी बुझले त आइया तो आपण तो जर्नलिस्ट आपण जानी थे बेस कर डॉक्टर रो किछ रोल नै बेस कर जाथि बेस कर डेस्क करछन थी तांकर स्वास्थ्य मित्र छन से बुझियो आइया तो से भाबु छन जे ये डॉक्टर बोधे ही कहले 6 वर्ष ला होतला एबे बोधे डॉक्टर करे मु के हेडो मते जाय करी पड़े लेसे न जानि से कर गले से हेडो मते बारंबार फोन करी कि ये डरला भया धमक दे कि काहे गेलानी आ हम सब करथि मु के रे मु कोन करे तमे आसो हॉस्पिटल तरफ रे हॉस्पिटल रे हेबे ताको फोन कली म फोन सब काटि देले ए तमे एठी आसो तमर कोन हे परबे आमे करिया हम हॉस्पिटल रे पंडा कैंसर हॉस्पिटल रे मेडिकल सुपरिटेंडेंट ताकर जे मैनेजमेंट म कली ताको कॉल करे से कोन कंप्लेन दे ताको आमे केमदि कोन करिया म फोन काटि देला बहुत बार मोर म तू कंप्लेन देले म फोन उठेलन कने म न कंप्लेन दे जे त मोर ताको म हेडो आ गोटे पिला नंबर रे कॉल कली हेडो से घरे अछि मिचर कहले हेडो त माग नै देला म कले मते बहुत कष्ट होला एक्चुअली डाक्टर बदनाम कल कैंसर पीड़िता जनक होती ढेंकानाल जिला पर्चुंग थाना गेंगुटिया पंचायत अंतर्गत कोले गाँव रीता जेना ताजको 6 वर्ष धरी ब्रेस्ट कैंसर रे पीड़ित हो कटक स्थित पंडा कैंसर हॉस्पिटल रे चिकित्सित होती तेरे राज्य सरकार पक्ष मिलता विजु स्वास्थ्य बीमा कल्याण योजन स्मार्ट कार्ड जरिया चिकित्सा पाई गीता पर लोके एचसीजी पंडा हॉस्पिटल को जाइथिले तबे सेठारे तांकर बीएसकेवाई कार्ड रे चिकित्सा न मिलबा सहित डाक्टर तांक फाइल को फोपाड़ी देथिबा नै मो सरकार रे गुहारी करथिले परिवार लोके आ एहाकु नै कटक एसएचई पंडा हॉस्पिटल रो ऑन्कोलॉजिस्ट डाक्टर
प्रशांत कुमार परिडा पीड़िता परिवार लोकंकु कॉल करी धमक चमक देथिले आउ चाहरो की एक्सक्लूसिव ऑडियो आम हाथ रे लागछि जहाकु नै दृढ़ कार्यानुष्ठान दावी करिछन्ति स्थानीय सरपंच एनै आमे डाक्टर प्रशांत कुमार परिडांकु जोगाजोग करथिलु मात्र से मेडिकल रे कोनोसे दुर्व्यवहार न करथिबा कहिछन्ति केवल मो सरकार रे अभिजोग कु नै से फोन रे पुलिस रो धमक देथिबा स्वीकार करिछन्ति वर्तमान डाक्टर को धमक को भांगी पड़िछन्ति कैंसर पीड़िता परिवार तुरंत तांको न्याय दे चिकित्सा व्यवस्था करण कले परिवार समूह आत्महत्या करिवे बोली कैमरा सम्मुखरे प्रकाश करिछन्ति नवकिशोर जाना कुल्लै स्त्रीर छ वर्षला ब्रेस्ट कैंसर होइजी मु नै किनी पंडा कैंसर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करजी 6 वर्षला ट्रीटमेंट रे मो हाथ मु तो आज्ञा आम बाप छो जोड़िए कि आम गरीब श्रेणी लोक जमीबाड़ी घर द्वार भी किसी ना दांड मूलिया करेटे ट्रीटमेंट करुचु 5-10 lakh इंजेक्शन देकिन दौ कि आम डक्टर पर्दा सारे देखू से मझे मझे जो केमोथेरापी मारती आम से निराश हो पैसा पत्र याटू ताटू भी संग्रह करी करूँ कि लास्ट डक्टर सार कहे कहे तुम आउटा रोगटा हो तुम तुम यापर क्यास लक्ष टा क्या आनी खर्च करें कहल सारे आपत तो आमको सरकार दे स्मार्ट कार्ड एथ 10 lakh पर्यटन महिला अच्छी एथर आप आमको साजु से मना कले कह आम नहीं पार्न आम नबुनी आमको चिड़ी चाड़े हो मझे मझे जिते थर जहाँ आम पचारू डरिक पचारूँ से किसी गोटे उत्तर दिखती खाली धमक चमक दे तुम क्या आसूच कि फाइल फोपाड़ी दिखती तुम क्या अगर मेडिकल को जाऊन कि जाओ एति कहीकि से जितने पुआ शुणी निराश होकर आसलापर घर आम सब कांदबुआ भितर आलोचना कलु आम कौन कर मो सरकार को गोटे अच्छी संस्था जनईवा जदि से मैंने न बुझे जामें राजा रास्त बस आत्महत्या करवा कि पूर्वर से जितने डक्टर शुणिले आमको फोन देकिन कहले गीता जेना तुम आम देख मो ना कौन एमती कह आम पुअर अवस्था कौन करी तुम खाली भुवनेश्वर कटक आस तुमको देख कौन करी मुझे थाना बर्तमान देख तुमको कौन करुच्ची मुझा जदि सरकार को अनुरोध करुच्छू जदि सरकार तरफ किसी साहय करमको बचेबे आम स्त्री टी बचेदे कि मेडिसीन इंजेक्शन पत्र देखने बचेबे आम छुआ आम माँ छुआ तीन जन आम किसी सहारा ना ना बची पारू ना जा भुवनेश्वर जा आत्महत्या कर6 वर्ष तले हेडू इंजेक्शन जहाँ 5000-10000 पैसा देली बिल बारी जहाँ थी बिकिकी देली आम उपाय जो बेस पड़ा 1 lakh हम कहला कहला तुम नगद क्या हम नगद क्या ना कर नगद क्या पुह गला उपाय कौन गोटे गला उपाय किसी ना है नगद क्या पुह हम फेरिकी आईला मो सरकार को जोईल कहले सरकार जहाँ बुझे बुझे ना आत्महत्या कर उपाय किसी आम ना देखे ना कला कला हमें कहला ना कला पुरा फेरिकी जन मो सरकार को सी जी बुझे बुझे न बुझे ना आत्महत्या कर उपाय किसी ना डाक्टर को कहले मो सरकार को बचे मो सरकार को जड़ेली डाक्तर मत धमक मत रोगी डाक धमक कहू कला तुम पुओ ना कैस दे मेडिकल अच्छे थाना आम पुओ भुवनेश्वर कटक आस तार देखने भी मोर गोटी को छुआ जो मारा पीड़ा कर कौन करी कि चल गोटी को छुआ गोटी को छुआ बची नापा छत्महत्या कर बिल ना बारी ना कि ना घर पोखर ना बिजली की रही पवन अन्य घटिकी जाऊँ कौन कर सब टीआटी देर पोखर टे ना
ଘର ଘର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ବି ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଟିକେ ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ମେଘ ପବନ ବାତ୍ୟା ଆଜି ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଉଛି ହାରି। ସେପଟେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଧମକକୁ ନେଇ କାମାକ୍ଷା ନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ସହିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଏଭଳି ଧମକକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ୟୋତିଶଙ୍କର ସାହୁ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଗୀତା ଜେନା ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି HCG ପାଣ୍ଡା କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ କଟକରେ। ତାଙ୍କ ଘର ଏଇଠି ଆମର ପରଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଦୁଇଟା ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ସେଠି ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ସେ ଅଭିଯୋଗ ବି କରିଛନ୍ତି କି BSQI ତାଙ୍କୁ ସେଠି ସୁବିଧା କିଛି ମିଳିପାରୁନି। ତେଣୁ ଆମେ BSQI ସୁବିଧା ମିଳିବାର କିଛି ନାହିଁ, ମିଳିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଟା ଡିଟେଲ ତା'ର ଇନକ୍ୱାରି ହେଉଛି, କେତେ ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି କି ପାଇନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି କି କ'ଣ, ଏଇଟା ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ରିଡ୍ରେସ୍ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ। ବାକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିବା କଥାଟା ଉଠୁଛି, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଯିଏ 6 ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ତାଙ୍କର କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କଲେ ଆଉ କରିବା କଥା, ଯଦି କରିଛନ୍ତି ସେମିତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆମେ ସେ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହକୁ ନିଆଯାଇଛି। ପରଜଙ୍ଗରୁ ରାକେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।